कड़ी खा ले। आज संडे स्पेशल, मम्मी के सौजन्य से हमें लंच प्राप्त हो रहा है। अच्छा, कोई और पड़ोस में देवे ना आके। स्वाति आंटी, स्वाति आंटी देख लो, स्वाति बनाती है रोज नाश्ता तेरा। नहीं भाई, नाश्ता मम्मी बना के जाती है, लेकिन लंच वो तो अभी आजकल ही तो बना रही है, तो लंच भी बन रहा था, मैं ही बना के देती थी। चलो फिर भी कोई बात नहीं, इसलिए आज ब्रेकफास्ट भी मम्मी के सौजन्य से हुआ, उसमें हमने खाई है इडली और चटनी। बाकी लंच अभी बन रहा है कड़ी चावल, जिसमें पकौड़ियां ये बन रही है। मैं ऑलरेडी टिश्यू यहाँ पर लेकर आ गई, क्योंकि घर का कस्टम खराब नहीं होना चाहिए, रिचुअल के पकौड़ी बनते बनते एक साइड में सूखी खाई जाएगी, ऊपर से दही कह रही हूँ। मतलब कड़ी पक रही है, यहाँ चावल के लिए पानी रखा जा चुका है। और आप बाहर का भी देख लो, आज मम्मी ने संडे का फुल। ये कैसे आवाज नहीं आएगी? आवाज तो आएगी, ये देख लो, बर्तनों की आवाज तो आएगी। मैं कुछ बोलूं और आवाज ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? सो आई वॉज टेलिंग यू के संडे का फुल उपयोग करा है मम्मी ने, अपने प्लांट्स अच्छे से पैम्पर करे, इनको इनकी धुलाई कटाई सब करी है, तो यहाँ पर ये अच्छे से अरेंज करके लगा दिए हैं धुलकर वापस। और ड्राइंग रूम को भी आज थोड़ा सा क्लीन अप करा है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये रिवर्सिबल कवर्स है हमारे, तो ये पहले ब्लू वाली साइड से थे, मतलब ऐसे वाले डले हुए थे, तो आज ऐसे डाल दिए, तो इससे थोड़ा चेंज लग रहा है। बाकी ये वाला कॉर्नर सेट किया है यहाँ पर, अभी ना इसमें ऑयल डाल, देखो अभी इसमें ऑयल डला हुआ है, तो ये काफी अच्छी फ्रेग्रेंस पूरे घर में कर रहा है, पॉजिटिव लग रहा है इससे, है ना। और ये प्लांट रख दिया यहाँ पर। सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया, अच्छे से मस्त टेबल, और इधर भी ये सब क्लीन क्लीन क्लीन, ये भी क्लीन क्लीन क्लीन, और बालकनी भी क्लीन क्लीन क्लीन। दिखाती हूँ अभी बाहर, ये सब पौधे भी अच्छे से धुले हैं, और ये भी और क्या पुस्तक, हाँ ये पुस्तक भी रखी जा चुकी है, जो कि कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ एस्थेटिक दिखने के लिए रखी गई है। मनोहर की 51 होता है ना, 51, हाँ 51 कहानियां, 10 कहानियां, ये कौन है, शशांक की, ये ज्ञान गंगा, ये पता नहीं कौन ले रहा है ज्ञान। लो ए लो, सिलेंडर भी खत्म हो गया, बनाते बनाते खाना, मैट लेके जाओ ना, वो टाइल गंदा हो जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मम्मी आ गई बीच में, ये मतलब ये मुझे पिन पॉइंट करने के लिए कि वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग, लॉन्ग टाइम। हाँ तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी, इतने टाइम हो गया, आलस खा रही थी। हाँ वॉट एवर, मतलब आलस तो नहीं है रीजन, कुछ भी बोल रही हो आलस, मेरी जनता आलस, को आलस। मेरी जितनी जनता अभी 2 साल में बेचारी बनी है, वो भी भाग जाएगी थोड़ी बहुत ही। बट फिलहाल अभी का स्टेटस मैं आपको बता देती हूँ, आपको मैं थोड़ी रेडी वगैरह दिख रही होंगी, क्योंकि अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं, आज संडे है बेसिकली, तो आज सब लोग घर पे ही हैं, तो मम्मी और मैं जा रहे हैं अभी मॉल, क्योंकि शाम को ना हमें मम्मी के स्कूल में एक टीचर है, उनका ना न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, तो उनका आज कुआ पूजन है। एक सेकंड रुको, पापा अंदर से आवाज लगा रहे हैं, संडे में ऐसी होता है, जस्ट संडे थिंग्स। तो उसका बच्चे का कुआ पूजन है, तो उस बच्चे के लिए हमें थोड़ा गिफ्ट लेके आना है, थोड़ा क्या मतलब गिफ्ट लेके आना है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं देखने के लिए। बाकी जैसे जैसे होता रहेगा वो मैं आपको दिखा दूंगी, शाम को हम जाएंगे तो वहाँ का भी दिखा दूंगी। और अभी ना मैं पापा के लिए खीरा काट रही थी, तो मेरा हल्का सा यहाँ पे बीच में कट लग गया, मेरे को जलन हो रही है। और अभी बज रहे हैं 1 बज रहे हैं, खाना मम्मी ने ऑलरेडी कड़ी बन रही थी ना, तो कड़ी ऑलरेडी पकने के लिए छोड़ के मतलब हम जा रहे हैं अभी, फिर पापा बीच में उसको ऑफ कर देंगे गैस को। सो अभी फिलहाल लेट्स गो एंड सी यू एट द मॉल। वेलकम बैक टू माय चैनल, बैक मतलब बैग बैग ही चल रहा है। ये देखो साल भर में बैग, देखो मेरा डोरेमोन वाला कवर मस्त लग रहा है ना। हाँ, वो लिपस्टिक पोत के मेकअप भी मस्त लग रहा है। कुछ भी यहाँ भी सब में पोत ली है चमकीला करने को। मतलब यार, जब मेरी मम्मी, मतलब मैं जब लिपस्टिक लगाती हूँ तो मम्मी ऐसे कहती है,
और वैसे घर में जब मैं नॉर्मल रहती हूँ ना तब कहती है कैसे रहती है वो तो रहती है। आज मौसम भी काफी बढ़िया हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं बारिश वो रह गया मेरा। मैं पता नहीं क्यों उल्टा बोल रही थी, मतलब उल्टा मम्मी को देख के बोल क्योंकि धूप नहीं है सो इट्स गुड, बारिश नहीं हो रही बट बारिश हो सकती है, ऐसा लग रहा है कि कहीं और बारिश हो रही है। देखो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, मैं आपको रुको, ये गाड़ी के शीशे ये नीचे बंद कर दो, ये शीशे कह रही थी क्या होता है वाइपर। और कितनी आवाज कर रही हो चप्पलों में, क्या जीरो भी है? हाँ ये वाला लेना चाहिए ना कि भाई थोड़ा सा बच्चा बड़ा भी हो तब भी लेगी, बिल्कुल जीरो थोड़ा ना लोगी। मॉम आई एम द फ्यूचर, मैं बोल रही फ्यूचर फ्यूचर हीरो। ये सारे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े टंग रहे हैं यहाँ पे, कितने क्यूट क्यूट होते हैं, लड़कियों के देखो तो और भी ज़्यादा प्यारे होते हैं, छोटे छोटे एकदम प्यारे प्यारे। और ये देखो तभी तो कलर अच्छा लग रहा है। आई एम अ चैंपियन नहीं, माय नहीं है, वो एन है। अभी हम दोनों वापस आ चुके हैं, बारिश भी आ चुकी थी। सुंदर वेदर हो रहा है, बस मैं कह रही थी ना कि बारिश नहीं होगी बट बारिश हो गई, बड़ा प्यारा लग रहा है, हल्के भी सोने और मिट्टी की खुशबू भी आ रही है। वो ना मॉल में ना एक दरवाजा खुला हुआ था तो मैंने सोच रही पता नहीं कहाँ से मिट्टी की खुशबू आ रही, फिर मैंने देखा अच्छा सामने बारिश हो रही है। तो अभी हम ले आए दो टी शर्ट लाए, एक छोटू सा निकर लेकर आए, चलो घर जाके दिखा देंगे क्या फर्क पड़ता है। लिफ्ट का फायदा उठाया जाए, लिफ्ट का फायदा। और आज मुझे ये बात पता लगा कि मैं थोड़ा गोलू गोलू बन गई वापस, थोड़ी नहीं बहुत हो गई, बहुत बहुत तो नहीं हुई हूँ, हो गई बहुत तो नहीं है, देख लो कहीं से लग रही हो ऐसे, बहुत ऐसे नहीं लगूंगी लेकिन हो गई हूँ। क्या हो गई? ऐसे नहीं, मतलब ऐसे देखने से नहीं लग रही हूँ, बॉडी से अगर किसी से पूछोगे तो सब मना ही करेंगे, बट थोड़ा सा हाँ मेरा मतलब जैसे आर्म्स का ये पुट ऑन हो चुका है, गोलाई आ गई। हाँ तो ये मैंने वर्कआउट काफी टाइम से ना करा नहीं था, वापिस से स्टार्ट करेंगे, पढ़ लेंगे कोई नहीं, पहले जितना था उतना तो एकदम से नहीं बढ़ेगा। अरे कैसे चल गई लाइट आज, ये अलग अलग कलर की। पापा से भी मिल लो गाइस, बहुत दिन हो गए पापा से मिले हुए आपको। Hi guys. कपड़े देख लो, लो पापा आपको भी दिखा दे, साथ साथ ही दिखा देते हैं। एक ये एक आई एम अ गुड बॉय, यू मेक मी स्माइल, ये इसका नेकर और एक ये वाली टी शर्ट, मॉम आई एम अ फ्यूचर हीरो। कैसे लग रहे, क्यूट है ना? सो यहाँ पर शाम के लिए सारे आउटफिट्स निकाल के रख लिए हैं, शाम के लिए क्या बस अभी रेडी हो जाएंगे, आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये वाली कुर्ती है, ये अनारकली टाइप कुर्ती है, ये मैंने जयपुर से ली थी, इसके नीचे ऐसा बॉर्डर लगा हुआ है और ऊपर ऐसे डिज़ाइन है, और इसके नीचे मैं पहनूंगी ये वाली पैंट्स ऑरेंज कलर की। सो ये मेरा आउटफिट हो गया, ये मम्मी का चिकनकारी वाला ब्लू कलर का सूट, अभी मम्मी ने इन सब पर आयरन किया था, ये मम्मी का आउटफिट हो गया। सो बस अभी 10-15 मिनट में रेडी होते हैं, उससे पहले मुझे पूजा का टाइम हो रहा है, वो करके आती हूँ। अच्छा हाँ, और मैं बता देती हूँ, शाम को आज भैया भी आ गया दिल्ली से, वो नहीं जा रहा, उसका कुछ काम है, तो मैं पापा और मम्मी हम तीनों जा रहे हैं, भैया नहीं जाएगा। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, फिलहाल सूट पहन लिया मैंने ये, और ये मम्मी का दुपट्टा ले लिया, मेरे पास तो था नहीं ऐसा कुछ ऑरेंज, तो मम्मी का ले लिया ये ऑरेंज कलर का,
आज मैंने कुछ भी काजल और आईलाइनर वगैरह कुछ नहीं लगाया, सिंपल लिपस्टिक और ये और हल्का सा ब्लश, दैट्स ऑल। बता देना कैसी लग रही हो, ठीक है? अभी घड़ी और पहनना है मुझे जल्दी से, और इस हाथ में मैंने चूड़ी पहनी है। अभी बज रहे हैं 7:20, 5 से 8 बजे का टाइम था, 7:20 यही हो गए, क्योंकि RCB का मैच चल रहा है तो वो पूरा कंप्लीट होगा, हम तभी निकलेंगे, होने वाला है बस, अभी 2-3 ओवर और बच रहे हैं फिर चलते हैं। फुल लुक ये है मेरा, और जो पिक्चर्स है ना वो मैं अटैच कर दूंगी, भैया ने अभी मेरी पिक्चर्स ले ली थी। वीडियो वगैरह बनाने का इतना टाइम नहीं है कि मैं कहूँ इनसे कि मेरी वीडियो ले लो, क्योंकि सारे अंदर बिजी है। बहुत मुश्किल से मैंने भैया से कहा कि भैया प्लीज़ पिक्चर तो ले ले कम से कम, तो मैं जो पिक्चर्स हैं वो ही अटैच कर दूंगी, ठीक है? बाकी फिलहाल अभी चलते हैं। अरे बंद क्यों कर दिया, 1 मिनट दिखाना था, लाइट जलाओ बीच वाली। पापा 1 मिनट आना। अबे यार ये देखो लेट हो रहे हैं हम, इसलिए अबे यार कर रहे हैं। ये मम्मी का आउटफिट, ये पापा का आउटफिट। चलो बाय बाय। इधर आओ, से हेलो, टेल योर नेम, योर क्लास, एवरीथिंग। आप मेरी मम्मी की दोस्त हो ना? नहीं नहीं, मैं तो वो वाली आंटी है ना, उनकी बेटी हूँ। हाँ मैं ना यूट्यूब पर वीडियोस बनाती हूँ, आप आओगे उसके अंदर? हाँ पर कैसे? ये क्योंकि जो ये वीडियो मैं आपकी बना रही हूँ ना, ये मैं व्लॉग में डालूंगी, तो फिर आप वो यूट्यूब पे। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं मैं सबको देते हैं। थैंक यू, ठीक है? तो आप अपनी वीडियो देखोगे फिर? सबको बताओ तो अपना नेम क्या है। आप बहुत क्यूट हो, हेलो कर लो, हेलो करो, अरे मेरे को हेलो करो। अरे बेटा ऐसे हेलो करते हैं। स्पाइडरमैन के बारे में बता रहे थे ना आप कुछ, तो बताओ वो मुझे भी बताओ। एक लड़की को स्पाइडरमैन काट लेता है। हाँ एक लड़की को स्पाइडर काट लेता है, फिर वो स्पाइडरमैन बन जाता है, फिर वो मकड़ी जैसा काम करने लगता है, जैसे वो जाल मार सकता है, जाल से वो घर पे मार सकता है। आपको ये किसने बताया? मुझे। हाँ मैंने यूट्यूब पे देखा है। यूट्यूब पर देखा है? और आपने स्पाइडरमैन की मूवीज भी देखी है? कौन कौन सी? मैंने एक मूवी तो रियल थी। हाँ जैसे कि ये रियल है, जैसे कि सारा सामान रियल है, पूरी दुनिया रियल है। आपने एवेंजर्स भी देखी? क्या होता है? आयरन मैन। अच्छा और कौन कौन से आपका फेवरेट करेक्टर कौन सा है? कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका, अरे आपको तो सब पता है भाई, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। डॉक्टर श्रेय। हाँ वो ऐसे ऐसे करके ना, हाँ वो पोर्टल बना सकता है। पोर्टल मेरे मामा है। पोर्टल मतलब चिकन ना, और एक इंडियन बॉडी में है ना। आपके और कौन कौन फ्रेंड है यहाँ पर? यहाँ सब ही है। क्या तन्नू? इधर आओ। कौन है? तन्नू। तन्नू हेलो बोलो। हेलो ये तो शर्मा रहे भाई, आप कौन हो? इधर आओ, आप भी हेलो बोलो। हेलो आपका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य आप भी उनके साथ स्कूल में? मेरे मासी भी। तीनों एक साथ हो गए स्कूल में? ये एक ही स्कूल में रहा था। हां मैं तो संजय में तगड़े स्कूल में। ओ तगड़े स्कूल में। अच्छा वो तगड़े स्कूल वो वहां की मैम मानती है? हां नहीं बच्चे कितने चला के बोल रहे हैं, वो दूसरे को कह रहा है वो तगड़े स्कूल में नहीं है, कह रहा है मैं तगड़े स्कूल में। ये तगड़ा स्कूल क्या होता है? मतलब तगड़ा स्कूल मतलब तगड़ा मतलब एक क्या होता है तगड़ा मतलब तगड़ा मतलब क्या होता है बताओ जल्दी बताओ। एक बार में सबको मार देता है हमारे पैर ट्रैप है ना, मतलब एक जाल जिससे हम मार सकते हैं। क्लास का बच्चा ही है यहां का। आ जा आ जा बेटा। अच्छा ये कह रहा है ये सेंट जेवियर्स तगड़ा स्कूल है, RPS तगड़ा स्कूल है, हमारा स्कूल तगड़ा, हमारे पूरा ही स्कूल। ये तो आप पहले वीडियो में आओगे, ठीक है? ये सब मम्मी के क्लास के बच्चे हैं। टेल योर नेम, सब बताओ अपने नेम। आपका नाम बताओ। अर्पित। आ जाइए। कौन से घर है? इसका नाम बता अपना नाम। अर्पित बोल तो दिया। अर्पित अर्पित है इसका नाम। हां हां अर्पित कह देते ना। अर्पित ही तो बोला है उसने। ये तेजस्वी भाई ये तो बहुत ही चालाक बच्चा है, बहुत ही शैतान बच्चा है। ये आपके स्कूल को पता है क्या बोल रहा था कि आपका स्कूल तगड़ा है? मेरा स्कूल तगड़ा है मैंने सुना। मैंने भी सुना हमारे स्कूल की पढ़ाई कर।
व्लॉग का एंड करना रह गया था तो मैंने सोचा कि चलो अलग से इसकी एंडिंग कर देते हैं। उस दिन कुआ पूजन से आने के बाद ना मेरे सिर में इतना तेज़ दर्द था कि मैं मतलब उसका एंड नहीं कर पाई, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे कर देंगे। ऑलरेडी आपको ये भी बताना था मुझे कि व्लॉग्स नहीं आ रहे काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 40 days हो गए, सो मैंने कहा कोई बात नहीं अलग से एंडिंग कर देंगे। सो अभी तक आपने देख ही लिया होगा पूरा व्लॉग, आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। इतने टाइम बाद मैंने डाला है, मम्मी कहती है कि इतने टाइम बाद डालते हैं लोग भूल भी जाते होंगे। हाँ बात तो सही है, भूल जाते होंगे पर देखने वाले देखेंगे ये भी, और आधे लोग ये सोचते होंगे कि गायब हो गई बीच में, कहाँ चली गई विदाउट एनी यू नो इंटीमेशन के कहाँ चली जाती हूँ मैं। हाँ बट ठीक है, मैं एक्सक्यूज़ भी नहीं देना चाहती, बट फिर भी जस्ट टू लेट यू ऑल नो मैं क्यों नहीं व्लॉग्स बना रही थी। मतलब मैं आपको ऑलमोस्ट सीरियसली बताती हूँ कि पिछले दो महीने से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आई एम नॉट एट ऑल डूइंग गुड। मतलब जब से मैं रुड़की से आई थी ना, उसके आने के थोड़े टाइम बाद से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। मतलब इतना ज़्यादा बीपी मेरा लो रहता है, और मुझे बीच में फीवर भी हुआ था, फिर फीवर काफ़ी ज़्यादा हो गया था, फिर उसके बाद मतलब रेगुलर फीवर हो रहा था, उतर नहीं रहा था, पेट में भी इन्फेक्शन हो गया था, वॉमिटिंग और ये सब, मतलब बहुत तबीयत ख़राब रहती थी। और अभी भी ना मतलब डेली मेरा बीपी पता नहीं क्यों लो रहता है, आई डोंट नो क्यों लो रह रहा है। तो मेरे बॉडी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती थी कि मैं कुछ भी करूँ, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं था, मतलब लिटरली मेरा कुछ भी करने का मन नहीं था। तो मैंने ये था कि हाँ मुझे पता था कि मैं कर सकती हूँ, और आधे टाइम ये भी था कि बहाना लगेगा कि करने वाले करते हैं और ये सब, बट मैंने वो सब चीज़ें बिल्कुल एकदम बंद कर दी थी कि मुझे अभी व्लॉग्स नहीं बनाने, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं होती थी कि मैं फ़ोन उठा के वीडियो बनाऊँ ना और फिर एडिटिंग करूँ और ये सब, तो बिल्कुल मन नहीं हुआ मेरा। तो इस वजह से मैंने कहा कोई बात नहीं ब्लॉग्स तो मतलब ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा था, मैं अपने चैनल की ग्रोथ देख रही थी कि कितना डिक्लाइन हो ही जा रही है। अभी ऑलरेडी 2 years हो जाएंगे मेरे चैनल को, और अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन मैंने क्रिएट नहीं करा है, नॉट क्योंकि मैंने मेहनत भी उतनी करी। ऑनेस्टली मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे क्यों नहीं उसका रिजल्ट मिल रहा, क्योंकि मैंने उतना ही पुट इन करा है तो मुझे शायद उतना ही मिलेगा, है ना। सो आई हैव नॉट इवन क्रॉस्ड 500 सब्सक्राइबर्स 2 साल में। लाइक मुझे ऐसा लगता है 2 साल में तो लोगों के चैनल कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, मिलियंस में आ जाते हैं, पर मेरा तो 500 भी नहीं हुआ है। बट कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब मेरा मोटिव तो ऑफ कोर्स ये था कि मैं स्टार्ट करूँ अपना चैनल, और एटलीस्ट स्टार्ट तो करूँ, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली चीज़ थी। और मुझे पता भी नहीं था कि सब लोगों को अच्छा भी लगेगा और मैं क्या बनाती हूँ, इवन टुडे आई डोंट नो कि मैं क्या बनाती हूँ क्या बोलती हूँ, बट जो लोग जेन्युइनली देखते हैं वो बोलते हैं कि हाँ उनको अच्छा लगता है और उनको मेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं दिखाना, तो मैं बस जो चीज़ें हैं मैं वो दिखाई जा रही हूँ बस, और कुछ मतलब ऐसा कुछ अलग से तो है नहीं, ऐसा कि मेरा ये फील्ड ही था या ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ बस ये था कि मैं व्लॉग्स देखती थी कि और लोगों के, तो मुझे भी अंदर से क्यूरोसिटी आई, और मतलब मम्मी ने मुझे, ऑफकोर्स मैं यही बोलती रहती हूँ हर बार, कि मम्मी के सपोर्ट के थ्रू चैनल ओपन किया, एंड आई नो आई शुड बी कंसिस्टेंट इन दिस, प्रॉमिस नहीं करूँगी बट हाँ वही वाली चीज़ है कि अब कोशिश करा करूँगी कि एटलीस्ट वीकली तो एक डाल ही दूँ, है ना। मतलब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी तो वीकली तो डाल ही दूँ, पर बाकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिक्लाइन थी, बहुत ही ज़्यादा, धीरे धीरे कवर हुई है, तो अब थोड़ा सा था उस दिन के चलो नहीं कहीं जा रहे हैं तो व्लॉग बना लेते हैं, वरना ऑल डेज आर जस्ट यूजुअल डेज, घर में रहती हूँ, कुछ ऐसे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता, बस पढ़ाई कर लो घर पे रह लो, यही सब सीन चल रहा था और कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। बीच में बहुत सी चीज़ें हुई भी, वो मैं आपको किसी और दिन, अभी तो ये व्लॉग लंबा हो जाएगा, किसी और दिन मैं आपको बताऊंगी आराम से, और मतलब क्या क्या मीनवाइल हुआ, बट अभी सिर्फ मैं इतना बता दूंगी कि 2 महीने से माय हेल्थ वाज नॉट एट ऑल गुड, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट मेकिंग व्लॉग्स ऑन टाइम, आई वाज नॉट पोस्टिंग व्लॉग्स ऑन टाइम। पर मुझे पता है कि जो लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं और जो पसंद करते हैं वो आज भी देखेंगे और आगे भी देखेंगे, चाहे मैं कितने समय बाद भी डालूं। सो या दैट व्हाट मैटर्स टू मी, कि एटलीस्ट मतलब लोग देख रहे हैं, है ना। मतलब जो पसंद करते हैं, इवन चाहे वो एक हो दो हो तीन हो, दैट डजंट मैटर, देखने वाले होने चाहिए, चाहे वो कितने भी हो, और जेन्युइनली दिल से देखने वाले होने चाहिए।
सो आई होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, काफ़ी टाइम बाद आया है एंड या मुझे भी अच्छा लगा ये ब्लॉग एडिट करते हुए, मुझे काफ़ी मज़ा आया। मैं मम्मी को खुद कह रही थी कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ और डाल रही हूँ। सो या आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो अपने जिन जिन नए लोगों से मिलते हो उनको बताया करो चैनल के बारे में और उनसे भी सब्सक्राइब करवाया करो, है ना। सो या आई लाइक नॉट प्रॉमिसिंग बट हाँ, सी यू सून। टिल देन जैसे हैं वैसे रहिए, हमेशा खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर।